चलो दोस्तों, आप लोग वापस आ चुके हो इस चैनल पे। वापस एजेंसी की बातें करेंगे, नई चीजें आपको सिखाऊंगा, मजा आने वाला है। देखो, अब आप लोगों ने ना लास्ट वीडियो में ये सीखा होगा कि किस प्रकार से मैंने एक बैंगर स्ट्रैटेजी बताई थी ब्लॉगिंग वाली, जहां से आप ब्लॉग्स के थ्रू अपने लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो, इनबाउंड अपॉइंटमेंट्स आपके पास में आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग्स। बहुत क्रेजी स्ट्रैटेजी थी, मैंने उसको बहुत यूज किया है और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है, अभी जाकर देख लो, बैंगर चीज है। ठीक है, मैं थोड़ा ओवरव्यू अगर दूं आपको, तो हमने क्या किया है, हमने यूएस के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी सिटीज हैं, हर चीज के ऊपर इतने आर्टिकल्स लिख दिए हैं कि अगर आप कुछ भी सर्च करोगे, बेस्ट यूट्यूब मार्केटिंग एजेंसी इन अलाबामा, एलेस्का, एरिजोना, कुछ भी सर्च करोगे, यू कैन सी ब्रांड गेटर इज रैंकिंग ओवर देयर। ब्रांड गेटर वहां पर रैंक कर रहा है, उसका कोई ना कोई ब्लॉग वहां पर रैंक कर रहा है। लेकिन उस वीडियो में मुझे कॉमेंट्स में लोगों ने ये पूछा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम किए कि यार रैंकिंग आ कैसे रही है, मतलब आप वहां पर अटेंशन कहां से ला रहे हो, वहां पर आप लोगों को लेकर कैसे आ रहे हो। तो ब्लॉग्स में ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको वहां पर ट्रैफिक भी लेकर आना पड़ेगा। अगर आप वहां पर ट्रैफिक लेकर आओगे, तभी मतलब ब्लॉग्स में आपको थोड़ा बहुत रैंकिंग भी इंक्रीज होगा, बैकलिंकिंग वगैरह बनाना पड़ेगा आपको। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं आपको ना इस वीडियो में एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन द एसईओ स्ट्रैटेजी ऑफ ब्लॉग्स। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे चलते हैं। ठीक है, अब गूगल पे चलने के बाद में हम नॉर्मली सर्च करते हैं बेस्ट यूट्यूब मार्केटिंग एजेंसी इन अलाबामा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये रही हमारी वेबसाइट, यहाँ रैंक कर रही है। ठीक है, और हमने बहुत सारे मतलब बहुत सारे जगहों के ऊपर आर्टिकल्स लिख रखे हैं। अब हम इसमें चलते हैं एंड ये देखो यहाँ हमारी और एक जगह पे हमारा रैंकिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस साइट में एंड इस साइट में जाकर, सो गाइज अभी देखो हम इस वेबसाइट में आ चुके हैं हमारे। ठीक है, जो हम आर्टिकल्स लिख रहे हैं यहाँ पर हर जगह, मतलब एक ही कॉल टू एक्शन है, दैट इज बुक अ अपॉइंटमेंट विद अस, बुक अ फ्री कॉल विद अस। ठीक है, एंड हमारी वेबसाइट्स में हमने क्या कर रखा है, हम आपको नॉर्मली दिखाता हूं मैं आपको, ब्रांड गेटर। एंड इसके लिए ना तुम्हें कुछ नहीं करना यार, बहुत सिंपल है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस कुछ कंटेंट राइटर्स को हायर करना है, एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिस कीवर्ड पे आप आसानी से रैंक कर सकते हो, जिस पे कम ट्रैफिक हो, कम कंपटीशन हो। ट्रैफिक होना चाहिए लेकिन कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए, एंड एक 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 स्टेट्स पकड़ के आप कर सकते हो। एंड जैसे मैंने यूएस पे किया, आप क्या कर सकते हो, यूके के सारे स्टेट्स पकड़ सकते हो, आप कैलिफोर्निया, सॉरी कैनेडा, मैक्सिको, उस साइड जा सकते हो, आप यूरोप साइड जा सकते हो, बट आप आर्टिकल भर भर के लिख सकते हो, एंड देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप ये आर्टिकल्स लिख रहे हो तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्टेड लोग चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टेड लोगों को लेकर आना है, एंड ब्लॉग्स के लिए इंटरेस्टेड लोगों का ट्रैफिक लाने के लिए सबसे बेस्ट जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया है, दैट इज क्वेरा। क्वेरा के थ्रू मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई थी, क्वेरा को कैसे अपन यूज करके ट्रैफिक ला सकते हैं। क्वेरा के थ्रू यार तुम बहुत इंटरेस्टेड लोगों को ला सकते हो, क्योंकि क्वेरा में अगर आप सर्च करोगे ना जाकर, जैसे नॉर्मली आप क्वेरा में जाओगे एंड ठीक है, नॉर्मली आप जाओगे एंड नॉर्मली जाके ना वहां पर बस सर्च करो YouTube करके, कीवर्ड कोई भी सर्च करके देखो। ठीक है, YouTube मार्केटिंग, जैसे कि हम बेसिकली YouTube के ऊपर ज्यादा रैंकिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो अगर आप जाके वहां सर्च करोगे YouTube मार्केटिंग या YouTube से रिलेटेड कुछ भी, तो जितने भी लोगों को सवाल हैं YouTube को लेके, YouTube एजेंसी को लेके, वो सब पॉप करने लगेंगे। ठीक है, एंड आप अगर उस सब सवालों के जवाब दे देते हो वहां पर, तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो लोग आपके ब्लॉग्स में आएंगे एंड वो आपसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन गेट मोर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, ठीक है, हाउ वी कैन इंक्रीज द व्यूज ऑन यूट्यूब, हाउ वी कैन डू दिस एंड दैट एंड दैट, यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं। और ये सवाल कौन पूछेगा, ये सवाल वही लोग पूछेंगे जिनको यूट्यूब पे, जो यूट्यूबर्स हैं जिनको यूट्यूब की कोई सर्विस चाहिए, जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हाईली पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं तुम्हारे जो इस तरह के सवाल पूछते हैं, राइट। अब इन लोगों को अगर आपने अच्छे तरीके से जवाब दिया एंड वहां पर अपने ब्लॉग की लिंक डाल दी जहां पर आपने इसके सवाल का अच्छे से जवाब दे रखा है, एंड वहां पर आपने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का पॉपअप लगा दिया कि जैसे कोई आपके साइट में आएगा, देयर इज अ फ्री पॉपअप ऑफ अपॉइंटमेंट बुकिंग,
तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो आपके साथ में अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे, बिकॉज सबसे पहले वो तुम्हारे कमेंट्स को देख के पागल हो गए हैं, नेक्स्ट थिंग वो आपके ब्लॉग्स को रीड करके उनको थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आप एक VSL वीडियो बना सकते हो तो एक VSL वीडियो दिखा दो उनको, ट्रस्ट और ज्यादा बन जाएगा, एंड देन दे कैन गेट ऑन अ कॉल विथ यू एंड यू कैन क्लोज द क्लाइंट। तो यहाँ क्वेरा के थ्रू ना तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं, एंड यहाँ पर ना कॉमेंट्स करना, आंसर्स लिखना, ठीक है, यहाँ पे ये सवाल के जवाब देना, ये सब के लिए भी देर आर AI टूल्स। अब देखो मैं तो हर जगह टूल्स के बारे में बात करता हूँ, तो इसके लिए भी मैंने एक टूल छान के निकाला है, मतलब मैंने उसके ऊपर पहले भी बात की है, तो वो टूल भी बहुत क्रेजी है, बहुत सुंदर सा चीज है उसमें। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देर इज अ टूल, लेट मी शो यू, QAPOP, राइट, हेयर इट इज। तो ये एक टूल है QAPOP करके, ठीक है। ये क्या करता है, ये आप इसको बता दो कि तुम्हें किस नीश में, किस ऑडियंस को तुम्हें टारगेट करना है। जैसे मैंने इसको समझा दिया कि मुझे YouTube वाले नीश के लोग चाहिए, YouTube से रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये YouTube से रिलेटेड जो सवाल पूछ रहे हैं वो सारे सवाल हमारे लिए निकाल कर दे देगा, ठीक है, एंड आपको जाकर बस उसके जवाब देने हैं। You just have to answer the questions, that's it, ठीक है। अगर आपने उस चीज को अच्छे तरीके से कर दिया, ठीक है, तो यहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑडियंस मिल सकती है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं YouTube, just one second, add, one second खाली, YouTube marketing, YouTube, continue। यहाँ पर हम कर देते हैं आर यू एक्टिव ऑफ क्वेरा, यस। यहाँ पर प्रोफाइल लिंक मांग रहा है, तो हम अपनी प्रोफाइल की लिंक दे देते हैं। यहाँ हम जाएंगे प्रोफाइल में, ये हमने लिंक को किया कॉपी, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ जाके इसमें कर देते हैं पेस्ट, कंटिन्यू। आर यू बेस्ड इन इंडिया, हम इंडिया में बेस्ड हैं, B2P है हमारा काम, हमारी एजेंसी है। वेबसाइट URL मांग रहा है, वो हम दे सकते हैं, ब्रांड गेटर .com, ठीक है। ये देखो, अब ये क्या करेगा, हमारे लिए रेलेवेंट सारे के सारे डेटा हमारे लिए निकालेगा, ठीक है। लोडिंग कीवर्ड डेटा, लोडिंग प्रोफाइल डेटा, एंड यहाँ पर हमारे हमें टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमें मिल सकता है वो हमें बताएगा, एंड ये भी दिखाएगा कि यार हमें कितने व्यूज मिल सकते हैं, मतलब कितनी अटेंशन, कितना ट्रैफिक हम वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये इसको फिल्टर कर रहा है, एंड या तुम्हें बहुत अच्छी खासी यार वो मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड तुम AI के मदद से उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो विद इन अ क्लिक, विद इन अ क्लिक ये सारी चीजों के जवाब भी दे देगा, ठीक है। ये भी अभी यार आपको पता है ये सुमो डे की डील चल रही है, तो इसका भी लाइफ टाइम डील आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये टूल रेकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज लाइफ टाइम डील में है, तो उठाना चाहो तो आप उठा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप सुमो में चलते हैं, एंड ये देखो लाइफ टाइम डील अभी चल रही है, एंड बढ़िया सेल आई हुई है, मतलब 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स में मिल रहे हैं आपको, इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई। और इसमें और एक चीज क्या रहती है ना, 60 डेज का रिफंड पीरियड रहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो रिफंड कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूरे पैसे तुम्हें वापस मिल जाते हैं, अगर तुम्हें रिफंड करना है तो आप रिफंड कर सकते हो, बट एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या पता तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाए। 60 डेज तो बहुत होते हैं ना यार, मतलब 60 डेज मतलब 2 महीने का टाइम मिल रहा है, 2 महीने बढ़िया से यूज करो, एंड इफ यू गेट द रिजल्ट्स कीप इट, इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट्स यू कैन रिफंड, राइट। तो ये चीज को आप कर सकते हो, QAPOP एक बहुत बेहतरीन टूल है फॉर गेटिंग मोर ट्रैक्शन, QAPOP, ठीक है। ये देखो ये रहा, इसका चल रहा है अभी 3 डेज लेफ्ट, $39 का ये टूल है, एंड यहां से तुम्हें अच्छे खासी अटेंशन तुम्हारे ब्लॉग्स के लिए मिल सकती है। ये वीडियो भी देख लेना, तुम्हें और अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आपके पास में ट्रैफिक आ जाता है, ठीक है, एक चीज और करने पे फोकस करना कि उस ऑडियंस को आपको पूरे ब्लॉग में अपनी सर्विस नहीं बेचनी है, आपको बस एक कॉल बेचनी है, आपको ना बस उसको ये दिखाना है कि यू हैव टू गेट ऑन अ कॉल विद मी, एंड कॉल पे आप उसको बाकी की चीजें बताओ कि यार अब क्या, अब आगे कैसे हमें क्या करना है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन बना कर दो, एंड देन एक बार उसको सॉल्यूशन मिल जाए उसके बाद में आप उसको पिच करते हो फॉर योर सर्विसेज। अब जो लोग क्लोज नहीं होते हैं ना, अब जैसे कि मेरे साथ में यार बहुत अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं, मेरे बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स बुक होते हैं, दिन के 7-8-10 अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो जब इतने अपॉइंटमेंट्स बुक हो रहे हैं, राइट, एंड अब इतने सारे अपॉइंटमेंट जो बुक हो रहे हैं उसमें से सब तो क्लोज होते नहीं है, उसमें से यार बहुत रेयर मतलब लोग क्लोज हो रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं ना उनके साथ क्या, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम डालते हैं अपने न्यूज़लेटर में, एंड देन हम उनके साथ में करते हैं फॉलोअप्स। मैंने एक न्यूज़लेटर का भी सिस्टम बना रखा है जहां पर मैं उन लोगों को एक न्यूज़लेटर में डाल देता हूँ, एंड हर हफ्ते उनको हम इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट देते रहते हैं,
अब न्यूज़लेटर के थ्रू भी मेरे पास में क्लोजिंग्स आती है, दैट इज अ बोनस फॉर मी। मैं उसको एज अ बोनस लेता हूँ, मैं उसको मतलब एज अ एक्स्ट्रा थिंग लेता हूँ, ठीक है, वो मेरे लिए मेन इनकम सोर्स नहीं है। तो अब अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस प्रकार से फॉलो अप करता हूँ एंड किस प्रकार से मैंने न्यूज़लेटर्स बना रखे हैं जहां से मैं वो मतलब न्यूज़लेटर्स बनाकर उन लोगों को फॉलो अप करता हूँ, जिससे मेरी एक भी लीड ना वेस्ट नहीं होती है। अगर कोई बंदा चेतन के साथ कॉल पे आ गया ना, तो वो चेतन को याद रखेगा यार, वो मुझे याद रखेगा, क्योंकि मैं उसके इनबॉक्स में जाता रहूंगा जब तक वो मुझे हाँ या ना नहीं बोल देता। अगर तुम्हें मेरी सर्विस नहीं चाहिए, तुम मना करो यार, टेल मी नो, मैं तुम्हें हटा दूंगा, मैं तुम्हें अनसब्सक्राइब कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें मेरी सर्विस चाहिए, देन टेल मी यस। जब तक तुम मुझे यस या नो नहीं बोलोगे, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। एंड ये सब कुछ करने के लिए मुझे अपना सिंगल मिनट भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। ये सब कुछ मैं टूल्स के माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ टूल्स को यूज करना सीख जाओ मेरे भाई, बहुत फायदेमंद है। और ये $30-40 कुछ नहीं है अगर तुमने अच्छे तरीके से इसका यूज किया, इट्स क्रेजी, राइट। तो अगर तुम जानना चाहते हो न्यूज़लेटर के ऊपर मैं कैसे फॉलोअप्स करता हूँ, कैसे मुझे क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं फॉलोअप्स के माध्यम से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए ये जो मैंने SEO स्ट्रेटजी अभी डिस्कस की है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप उसको देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।